हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास यू के जी मैथ्स चैप्टर टू टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट टॉलेस्ट विच इज टॉल इन हाइट एंड शॉर्टेस्ट विच इज शॉर्ट इन हाइट जिसकी हाइ, जो हाइट में बड़ा हो टॉलेस्ट जो छोटा हो शॉर्टेस्ट यहाँ पे फिगर में आप देख रहे होंगे जिराफ है जो ये बोल रहा है आई एम द टॉलेस्ट आई एम द दस्ट एंड यहाँ पे एक छोटा सा माउस है जो बोल रहा है आई एम द शॉर्टेस्ट दस्ट बोल रहा है आई एम द शॉर्टेस्ट यानी कि माउस बहुत छोटा है और जरा बहुत बड़ा है अब नीचे ऑब्जेक्ट्स में देखते हैं राइट टी फॉर टॉलेस्ट एंड एस फॉर द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट ये एक ट्री है ट्री कौन सा है पाम ट्री है जो देखो हाइट में बहुत बड़ा है। इसके बाद एक ट्री आपको दिख रही है जो छोटी है कंपैरिजन में, और यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट दिख रहा है जो वो भी शॉर्टेस्ट है तो यहाँ पे बनियान ट्री के लिए हम लिख देंगे टी फॉर टॉलेस्ट और फिर ये शॉर्ट है एंट्री तो लिखेंगे एज फॉर शॉर्टेस्ट प्लांट भी शॉर्ट है इसलिए शॉर्टेस्ट सेकेंड वन कलर द टॉलेस्ट ग्रीन एंड द शॉर्टेस्ट ब्राउन अब इसमें बिल्डिंग दिख रही है आपको जो टॉलेस्ट है इसको ग्रीन कलर से कलर करेंगे हट है जिसको ब्राउन से करेंगे एंड फिर यहाँ पे एक हाउस है इसे भी आप ब्राउन से कलर करेंगे इसके साथ आपका होमवर्क जो है आज का एंड योर होमवर्क इज राइट द नेम ऑफ ट्वेंटी ऑब्जेक्ट्स विच इज टॉलेस्ट एंडस्ट इन हाइट द्वेंटीस्ट एंड शॉर्टेस्ट इन हाइट और इस होमवर्क के लिए आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो मैं कुछ हिंट भी दे देती हूँ टॉलेस्ट एंड शोर्टेस्ट का जैसे घर में है आपके फादर है उन्हें आप टॉलिस्ट बोल सकते हैं और आप छोटे हैं तो आप शॉर्टेस्ट खुद को बता सकते हैं बट यू आर नॉट एन ऑब्जेक्ट यू आर अ पर्सन आप ऑब्जेक्ट नहीं हो आप पर्सन हो ह्यूमन बीइंग हो इसलिए आप अपना नेम नहीं लिखोगे ऑब्जेक्ट का नेम लिखोगे लाइक like, ये पेन pen पेंसिल है आपकी अगर इसे हम बोलेंगे टॉलिस्ट तो पेन के कैप को हम शॉर्टेस्ट बोल सकते हैं या फिर आपके इरेजर को हम शॉर्टेस्ट बोल सकते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और फिर पढ़ेंगे चैप्टर थ्री लॉन्गेस्ट एंड स्मालेस्ट तब तक ये चैप्टर अच्छे से रीड करिए थैंक यू